हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द वर्ल्ड, दुनिया पे कोरोना के प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है और इस महामारी के कारण चाहे वो आर्थिक या सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों पे इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम जानेंगे वो 5 प्रभाव जो इस महामारी के कारण फैलने वाले हैं। सबसे पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। सामाजिक कारणों में आप सबसे पहला जो अंतर आप देखेंगे वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, अपने साथ सैनिटाइजर रखना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो अब हमें सोसाइटी में हमेशा अपनानी पड़ेगी, क्योंकि यह महामारी आगे भी फैल सकती है, वापस आ सकती है। इसीलिए सोसाइटी को प्रिकॉशन के लिए ही सही सोशल डिस्टेंसिंग आगे भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगले जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा दुनिया में वो है ग्लोबल रिसेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अधिकतर देशों ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने स्तर पे लॉकडाउन की घोषणा करी है और इस कारण से वहाँ की कंपनियाँ उतना माल अपना बना नहीं पा रही है, बेच नहीं पा रही है और इससे उबरने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। वैसे भी दुनिया पहले ही आर्थिक संकटों से गुजर रही थी, इस महामारी ने इस आर्थिक मंदी को और बढ़ा दिया है, तो इस कारण से ग्लोबल रिसेशन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल रिसेशन के कारण कंपनियों को अपने कर्मचारियों को की छटनी करनी पड़ेगी और इस कारण से अब इतने जॉब्स, इतने अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहेगी और ऐसा आगे के कुछ समय और रहने वाला है, क्योंकि पहले ही ये आर्थिक मंदी चल रही थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी और बढ़ने वाली है। अगला जो प्रभाव है जो कि इस महामारी के कारण है, वह एक पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं जिसमें हम ग्रोथ देखेंगे, वो है ऑनलाइन बिजनेस। अब बाहर जाना काफ़ी डेंजरस हो गया है और इस कारण से ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस में आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। पहले भी ऑनलाइन बिजनेस एक ग्रोइंग सेक्टर रहा है, आने वाले समय में हम ऑर्डर के लिए किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे, मीटिंग्स के लिए भी अब ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, एजुकेशन में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो यकीनन तौर पे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स बिजनेस की आगे भी बढ़ोतरी होने वाली है। चौथा जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सेक्टर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया के अच्छे अच्छे देशों की इस महामारी ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। दुनिया के अच्छी अच्छी महाशक्तियाँ जिन्हें लगता था कि उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इस बीमारी का सामना नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में हम इसमें और सुधार देखेंगे। काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करना पड़ेगा ताकि यदि ऐसी और कोई आपदा या ये आपदा वापस आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नागरिकों को सही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, सही हेल्थ सर्विसेज दे पाए, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। आज काफ़ी मुल्कों में आपने स्पष्टता से देखा कि वेंटिलेटर्स की, बेड अवेलेबिलिटी की, इन सब की कमी रही और इस कारण से इतनी मृत्यु दर हम देख रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें ये 5 प्रभाव मुझे लगता है कोरोना वायरस के कारण दुनिया पे रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।